आप किसान हैं, आप अगर मछली पालन का काम करते हैं, आप पशुपालन का काम करते हैं, आप दूध दूध उत्पादन का काम करते हैं, तो ये वीडियो आपके बड़े काम की हो सकती है। स्वागत है फिर से आपका आपके चैनल में। दोस्तों, आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है किसान क्रेडिट कार्ड कैसे बनता है और इसका फायदा क्या होता है, इस क्रेडिट कार्ड से आपको लेने से आप कैसे मोटे ब्याज से बच सकते हैं और किसान क्रेडिट कार्ड कितने दिन के लिए वैलिड होता है। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन दबाइए, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक कमेंट्स करिएगा ज़रूर, और अगर कोई कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन है तो ये जो हमारा व्हाट्सअप नंबर आया, आइए हमारे व्हाट्सअप पे, मैं और मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में। तो आप लोगों को पता होगा कि क्रेडिट कार्ड एक उधार होता है, आपको बैंक है ना उधार दे देता है आपके 50 दिन के लिए नॉर्मल क्रेडिट कार्ड में, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड में भी उधार बैंक आपको देता है, लेकिन इसमें थोड़ी टाइमिंग और इसके रूल रेगुलेशन थोड़े ज़्यादा होते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को खेती किसानी से जुड़ी गतिविधियों के लिए आसान और सस्ती दरों पर कर्ज मुहैया कराया जाता है। सीसी को भारत सरकार ने कल्याणकारी योजना के रूप में किसानों के लिए 1998 में शुरू किया था। इसके जरिए किसानों को ज़रूरत के मुताबिक आसानी से खेती के लिए लोन मिलता है। खाद, बीज, कीटनाशक आदि की खरीदारी के लिए लोन लिया जा सकता है। इस कार्ड की शुरुआत नाबार्ड और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर की थी। फिलहाल 6,92,00,000 किसानों के पास केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड है। किसानों को एक डेबिट कार्ड इशू किया जाता है जिससे वे अपने खाते से पैसे निकाल सकते हैं। अगर खाते में पैसा बचा होता है तो उस पर उन्हें एक बचत खाते की दर से ब्याज भी मिलता है। कितना लोन मिलता है किसान क्रेडिट कार्ड पे? केसीसी के जरिए किसान 5 साल में 3 लाख रुपए तक का टर्म लोन ले सकते हैं। दोस्तों, टर्म लोन क्या होता है उस पर ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाके देखिए। इस लोन पर 4% का ब्याज देना होता है। पहले 1 लाख तक के लोन के लिए किसान को अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ती थी, इस राशि को बढ़ाकर अब 1,60,000 रुपये कर दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है वो 5 साल के लिए वैलिड होता है, 5 ईयर्स के लिए किसान क्रेडिट कार्ड वैलिड होता है। हाल ही में पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के साथ इसको जोड़ा गया है। इसके लिए आवेदन को आसान बना दिया गया है। फार्म मिलने की तारीख से 14 दिनों के अंदर कार्ड आपको जारी कर दिया जाता है। पहले 7% की ब्याज लगती थी, अब लगती है 4% ब्याज। दोस्तों, वैसे तो किसान लोन 9% में मिलता है, लेकिन 2% की किसानों को मिलती है सब्सिडी की छूट और पड़ता है वो 7% का। लेकिन अगर आप अपने पिछले लोन को, अपने सिविल को अच्छा करके रखते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो आपको और 3% की छूट मिल जाती है, यानी कि ये लोन आपको मात्र 4% पे पर एनम पड़ता है। तो और क्या चाहिए, मिनिमम से मिनिमम भी लोन अगर आप मार्केट से लेते हैं तो आप लोगों को मिलता है 10% से लेकर 11% पे, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको मात्र 4% पे आपके व्यवहार पे मिल सकता है। कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें? जिन किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि में खाता खुलवा रखा है सिर्फ वही इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। इसके लिए HTTP यानी कि www.pmkisan.government.in पर जाना होगा और यहां से किसान क्रेडिट कार्ड का फॉर्म डाउनलोड करना होता है। होम पेज पर ही आपको डाउनलोड किसान क्रेडिट कार्ड फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म के साथ आपको अपनी ज़मीन के दस्तावेज, फसल की डिटेल आदि भरनी होती है। ध्यान रखिए, आपने कहीं और से यह कार्ड ना बनवा रखा हो, आपको घोषित करना होगा और कोई कार्ड नहीं बनवा रखा है और कोई कार्ड नहीं ले रखा है। इस फॉर्म को www.argicop.government.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। दोस्तों, आपको कहां कहां से किसान क्रेडिट कार्ड मिल सकता है इसके अलावा, अगर आप ऑनलाइन नहीं लेना चाहते तो ऑफलाइन में भी आप केसीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑफलाइन जगह कहां कहां से आप अप्लाई कर सकते हैं,
केसीसी किसी भी कोऑपरेटिव बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या रीजनल रूरल बैंक से हासिल किया जा सकता है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI भी रुपए केसीसी कार्ड जारी कर रहा है। इसके अलावा अगर आपका गवर्नमेंट बैंक में अकाउंट है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, वह भी यह कार्ड आप लोगों को जारी करता है। दोस्तों ये वीडियो थी आज की कि किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है, किसान क्रेडिट कार्ड से आपको कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलता है, और किसान क्रेडिट कार्ड आप कहाँ कहाँ से और किन डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे बनवा सकते हैं। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड क्या होता है आपको नहीं मालूम है तो उसका भी वीडियो बनाएं, आप जाके देखिए लोन क्या होता है, उसमें आपको लेने का फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, लोन कब बैड होता है, कब गुड होता है, उन सब टॉपिक को मैंने ऑलरेडी पहले क्लियर कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में अगर आपको टाइम मिले तो जाके विजिट कर सकते हैं। कोरोना टाइम में महा मोदी पैकेज आप लोगों के लिए आ चुका है। आप MSME बिजनेसमैन हैं, आप किसान हैं या आप हैं मिडिल क्लास फैमिली के सैलरीड पर्सन, तो हर तबके के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अपने पिटारे से दे रही है। मैंने MSME पे ऑलरेडी 3-4 वीडियोस बनाई है कि आप MSME में कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, MSME होता क्या है, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन करने के आपको क्या क्या एडवांटेज मिल सकते हैं, और आपको MSME का लोन कैसे 3 दिन में मिलता है, ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखिए। हमारे चैनल एज का ट्विस्ट पे आपको इन्हीं से रिलेटिव बैंकिंग से, फाइनेंस से, इन्वेस्टमेंट से और नई नई जो उद्घोषणाएं गवर्नमेंट की तरफ से आती है बैंक से रिलेटिव, आप लोगों को मैं लाके बताते रहता हूँ। मेरे चैनल पर नए थे तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन दबाइए ताकि हमारे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और दोस्तों वीडियो को शेयर करना दोस्तों नहीं भूलिएगा, लाइक कमेंट्स करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। कोई अगर आपका कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन है तो प्लीज़ ये आप अपना यहाँ रखिए, हमारा जो नंबर आ रहा है हम आपकी हेल्प करेंगे उस क्वेश्चन का आंसर करवाने में। AH का टिप्स का टेलीग्राम चैनल भी है, AH का टिप्स का इंस्टाग्राम चैनल भी है, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, आपको यहाँ से नोटिफिकेशन मिले ना मिले आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक रखिए अपने सेहत का ख्याल, जान है तो जहान है, और कल देखिए क्या होता है, लॉकडाउन खुलता है तो कैसे खुलता है, और आपके शहर का क्या माहौल है, कैसी एक्टिविटी चल रही है, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। बाय बाय, टाटा, सी यू, अगला वीडियो किस टॉपिक पे हो प्लीज़ सजेस्ट करिए।